सो गाइस, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव नाम से ही बहुत ज्यादा ऑफेंसिव लग रहा है। इसको बचपन में ना मैं बहुत ज्यादा खेला करता था, जब मैं 7th और 8th क्लास में था। इसको मतलब ये वन ऑफ द फेवरेट गेम था यार। 5-5 10-10 घंटे लगातार इस गेम को खेलते थे हम, वो ऑफलाइन मोड वाला। तो वो कौन सा गेम था जो कि आपने सबसे पहले खेला अपनी लाइफ में, कमेंट करके बताना जरा। कौन सा गेम स्पैम होने वाला है, लेट्स सी। ज्यादातर शायद पबजी होने वाला है, आई होप। तो कोई भी गेम स्पैम हो, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इस गेम को आपको डाउनलोड कैसे करना है और कौन सा बेस्ट मेथड होने वाला डाउनलोड का, एंड मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कितने होने वाला है, आपका कितना जीबी डेटा लगेगा, एंड स्पेस की कितनी जरूरत होगी। एक एक चीज मैंने इसमें कवर की है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के दो पार्ट और आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको CS:GO खेल के पैसे कमाने यार, और साथ ही साथ बताऊंगा कि इस गेम को खेलना कैसे जिसने अभी तक इसको खेला नहीं है, मतलब बिगनर वाली वीडियो होने वाली है। तो ये दो वीडियो आपको आगे चल के मिलेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एम करते हैं 500 लाइक्स के। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, एंड ये है एक लाइव वॉलपेपर जो आप देख रहे हो। कैसे लग रहा है कमेंट करके बताओ। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताओ, और ये मत बोलना 8 महीने हो चुके हैं अब तक वीडियो नहीं आई है, क्योंकि गाइस बहुत सारी चीजें अनस्टेबल थी, अब स्टेबल हो रही है धीरे धीरे। सो मैं जल्दी वीडियो के ऊपर लाने वाला हूँ, थोड़ा सा और वेट कर लो। पर आपको ये वाला लाइव वॉलपेपर नहीं, और भी बहुत सारे लाइव वॉलपेपर मिलने वाले, तो ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड चैनल, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम में आपको लिखना है STEAM, स्टीम। उसके बाद आपको ये फर्स्ट लिंक ओपन करनी है। फर्स्ट लिंक ओपन जैसे करोगे आप, तो आपको ये कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है ज्वाइन स्ट्रीम पे। अगर आपका ऐप्स पे अकाउंट नहीं है, तो अगर अकाउंट है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे अपना अकाउंट आप बना लीजिए थ्रू ईमेल एड्रेस एंड योर रेसिडेंस, तो इंडिया ही रहने वाला है। अगर और कोई कंट्री में रहते हो आप, तो वहाँ पे दूसरी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक कर दो, एंड यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ये सब आपका जब लॉगिन वगैरह हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल स्टीम पे डायरेक्टली क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको एक सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा स्टीम का, जो कि 2.18 MB का होने वाला है, और आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। जब आप इंस्टॉल कर लोगे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा इस एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन के मदद से हम लोग CS:GO को डाउनलोड करने वाले हैं, इंस्टॉल करने वाले हैं, एंड फुली देखने वाले हैं कैसे आपको उसको प्ले करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली CS:GO सर्च करना है। गो स्टैंड फॉर ग्लोबल ऑफेंसिव, और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे इस गेम को खेलने के लिए। तो थोड़ा नीचे आते हैं अपन, यहाँ पे देख सकते हो आप Windows 7 Vista XP सबसे मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है इस गेम की। अगर आपके पास इंटेल Core 2 Duo है, तो भी आप इस गेम को आराम से कर सकते हो, एंड रैम सिर्फ 2 GB लगने वाली है, एंड 15 GB अवेलेबल स्पेस बता रहे। सो यहाँ पे आपको प्ले गेम पे डायरेक्टली क्लिक कर देना है। प्ले गेम पे क्लिक करने के बाद ये चीज ओपन होगी, एंड यहाँ पे डिस्क रिक्वायर्ड देख लो, लिखा हुआ है 30.72 GB, एंड सबसे पहले आपकी स्पेस होनी चाहिए आपके पीसी में 30.72, मतलब मान के चलो 40 GB स्पेस होनी चाहिए खाली। यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे कुछ अपनी फाइल्स वगैरह ये क्रिएट करेगा। और अगर आपको देखना है कि डाउनलोड कितना हो चुका है, तो यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देना डायरेक्टली। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे दिखा रहा होगा डाउनलोडिंग स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखो 30.1 GB स्पेस चाहिए मेरे को इंस्टॉल करने के लिए, एंड डाउनलोड जितना गेम करेगा वो 13 GB डेटा यूज करेगा, मोबाइल का या फिर आपका नेट का जो भी होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपकी स्पीड है 3.1 MBPS मेरी अभी है, तो उसके हिसाब से ये 1 hour के बीच में डाउनलोड हो जाएगा। टिल देन आपके लिए एक बोनस कंटेंट लेके आया हूं मैं, ये 3-4 वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हो, जिससे आपको GTA 5 एंड माइनक्राफ्ट क्लेम करने का मौका मिल सकता है। एंड ये 2 रैंडम वीडियोस हैं जो कि अगर आपको देखने तो देख सकते हो, लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं तो बोलता हूं यार, जब तक डाउनलोड हो रहा है ना, तब तक आप GTA एंड माइनक्राफ्ट वाली दोनों वीडियो देखो, और दोनों गेम को क्लेम कर लो जल्दी से यार, वो भी लाइफ टाइम के लिए। सो गाइस, अपना गेम डाउनलोड हो चुका है, एंड अब यहां पे प्ले का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहां से डायरेक्टली प्ले पे ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे इंस्टॉलिंग स्टार्ट होगी, एंड डायरेक्टेक्स वगैरह इंस्टॉल होने वाला है। ओके, तो अपना CS:GO का लोगो आ चुका है, ऐसा काफी कूल लोगो है, एंड आप अपना स्टीम बंद भी कर सकते हो, चालू भी रह सकते हो। सो आपको यहाँ पे इसको सिर्फ क्लोज कर देना, या फिर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें आपको कुछ क्रेट्स वगैरह मिलते हैं जो कि सेल आउट हो सकते हैं। सो यहाँ से आपको पूरा गेम खेलना है, यहाँ पे आपको अपना पूरा मेन्यू मिल जाएगा, प्राइम आप बाय कर सकते हो। सेटिंग्स वगैरह में आपको सारी चीजें, गेम कैसे खेलना है, गेम स्टार्ट कैसे करना है, कॉम्पिटिटिव क्या होता है, सब कुछ एक एक चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, और एक साथ में बोनस कंटेंट भी देने वाला हूँ कि आप कैसे CS:GO को खेल के या फिर बाकी और भी गेम्स खेल के रियल मनी कमा सकते हैं यार, रियल स्किन्स कमा सकते हैं, उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो इसके लिए 2 स्पेशल वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, बाकी सबके साथ शेयर करना यार, एम रखते हैं 500 लाइक्स का, तो लाइक्स जल्दी जल्दी करो। अब मैं चलता हूं और आप गेम खेलो, मिलता हूं मैं आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग, एंड एडियोस।